आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ एफ एम जनरेशन बेसिकली एफ एम जनरेट करने के दो वेज है वन डायरेक्ट मेथड, सेकंड इनडायरेक्ट प्रैक्टिकली हम कमर्शियल सर्किट में हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं क्योंकि दे हैव सुपीरियर परफॉर्मेंस आर मैथड इन कमर्शियल सर्किट्स बट डायरेक्ट मेथड थोड़े सिंपलर मेथड होते हैं इसलिए हम पहले डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड पे जाएंगे पर अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इनडायरेक्ट मेथड में हम पहले नैरो बैंड एफ एम जनरेट करेंगे नैरो बैंड एफ एम उसके बाद उस नैरो बैंड एफ एम को हम वाइड बैंड एफ एम में कन्वर्ट कर देंगे जबकि डायरेक्ट मेथड में हम वाइड बैंड एफ एम को डायरेक्टली जनरेट कर देंगे इसीलिए इनका नाम डायरेक्ट मेथड पड़ा क्योंकि इसमें हम वाइड बैंड एफ को डायरेक्टली जनरेट कर देते हैं जबकि इन डायरेक्ट मैथड में पहले हम नैरो बैंड एफ जनरेट करेंगे उसके बाद उसको वाइड बैंड एफ में कन्वर्ट करेंगे जब हम इन मेथड की डिस्कशन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे नैरो बैंड एफ और वाइड बैंड एफ अगर आपको नहीं पता है पर आज के लिए भी हम डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड में हम बेसिकली वाइड बैंड एफ को डायरेक्टली जनरेट कर रहे हैं बेसिकली एफ में क्या होता है एफ एम में बेसिकली फ्रिकुवेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेराइड इन अकॉर्डेंस विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है कैरियर सिग्नल की ये हमने डिस्कस कर लिया है तो अगर हमने कैरियर जनरेट करना है कैरियर सिग्नल कैसे जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर ऑसिलेटर सर्किट से हम कोई भी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं ऑसिलेटर सर्किट की हेल्प से अब जो ऑसिलेटर कैरियर सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी वेरी करनी है इन अकॉर्डेंस विद मोडुलेटिंग सिग्नल तो कैसे कर पाएंगे हम ऐसा बाय मेकिंग ऑसिलेटर वोल्टेज डिपेंडेंट अगर हम ऑसिलेटर को वोल्टेज डिपेंडेंट बना जाए बना दे तो हम ये अचीव कर सकते हैं ऐसा कौन सा ऑसिलेटर होता है जो वोल्टेज डिपेंडेंट होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वोल्टेज पे डिपेंड करती है इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है उस उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है तो ऐसे ऑसिलेटर की हेल्प से हम एफ जनरेट कर सकते हैं अब हमें वोल्टेज की जगह क्या देना पड़ेगा मैसेज सिग्नल मैसेज सिग्नल यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी हमारा एम जैसे जैसे हमारा मैसेज चेंज होगा यानी कि वोल्टेज चेंज होगी और वोल्टेज चेंज होने से वीसीओ की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इस तरह से हम मैसेज सिग्नल चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं और हम एफएम जनरेट कर सकते हैं वेरी सिंपल प्रोसेस वेरी सिंपल तो हम क्या करेंगे एफएम जनरेट करने के लिए वीसीओ को वोल्टेज कंट्रोल्ड एसोलेटर के इनपुट में हम मैसेज सिग्नल दे देंगे और आउटपुट में हमारे पास एफ आ जाएगा क्योंकि वीसीओ की फ्रिक्वेंसी वोल्टेज पर डिपेंड करती है जैसे जैसे हमारा मैसेज सिग्नल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी और हमारा एफ जनरेट हो जाएगा अगर मैं ग्राफ के लिए देखूं ये हमारा मैसेज सिग्नल है और इसके अकॉर्डिंग हमारी एफ एम की फ्रिक्वेंसी वेरी होती है जहाँ पे मैसेज सिग्नल की वैल्यू मैक्मम है वहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसी हाई आ रही है और जहाँ मैसेज सिग्नल की वैल्यू कम हो रही है वहाँ पे लो आ रही है फ्रिकुवेंसी एफ एम की तो अगर हम यही इनपुट मैसेज सिग्नल की इनपुट वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को देंगे तो ये भी इसी तरह की आउटपुट देगा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ये अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर देगा क्योंकि इसकी फ्रिकुनसी वोल्टेज पर डिपेंड करती है जब वोल्टेज बढ़ेंगी तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देगा जब वोल्टेज कम होगी तो ये कम फ्रिक्वेंसी देगा ओके okay, तो इट इज वेरी सिंपल सर्किट अब इसी सर्किट से अगर हमने पीएम जनरेट करनी हो, करनी है तो कैसे कर सकते हैं हम फेज मॉड्यूलेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं प्रवोर्शन होता है मैसेज सिग्नल के यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फेज विल बी डायरेक्टली रिपोर्ट टू डेरिवेटिव ऑफ मैसेज सिग्नल ओके और डेरिवेटिव ऑफ फेस क्या हुआ फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी विन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ एम टी तो अगर हमने इसी सर्किट से वी सी ओ से ही पीएम जनरेट करनी है तो सिंपली एम टी के बजाय डेरिवेटिव देंगे क्योंकि पीएम के, के केस में फ्रीक्वेंसी डेरिवेटिव ऑफ एम टी पर डिपेंड करती है तो हमने अगर फेस मोडरेशन जनरेट करना है तो इनपुट में हम टी बाई डी टी ऑफ मैसेज देंगे डेरिवेटिव देंगे मैसेज सिग्नल का और वी सी ओ को देंगे जब हम वो आउटपुट में हमारे पास पी एम आ जाएंगे तो सेम सर्किट मॉडिफाई होकर हम फेज मॉडुलेशन के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं अब हम एक्चुअल सर्किट देख लेते हैं कि एक्चुअल सर्किट कैसा होगा वी सी ओ का वी सी ओ का सर्किट देख लेते हैं सर्किट ऑफ वी सी ओ आखिर हम वोल्टेज डिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं ऑसिलेटर को वी सी ओ का सर्किट कुछ इस तरह का होता है ये हमारा ट्रांजिस्टर है ये इंडक्टर है एल वन एल टू और ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो ये यह हम यहां डॉट दो, दो डॉट लगा लेते हैं ये डॉट क्या शो करेंगे कि दे आर म्यूचुअली कपल्ड इस टाइप के ऑसिलेटर को क्या बोल देंगे हम हार्टली ऑसिलेटर अगर आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी यू नो दैट दिस सर्किट दिस इज हार्टली ऑसिलेटर अब इस सर्किट की इस टैंक सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे दी जाएंगी ओमेगा आर विल बी वन ओवर टू पाई अंडर रूट एल इक्वल एंट सी एल इक्वलेंट क्या होगा एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम टू एम क्या शो कर रहा है एम क्या शो कर रहा है कपलिंग तो डॉट सेम डायरेक्शन में तो यहाँ प्लस टर्म आएंगी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते एक यहां होता एक यहां होता तो माइनस आती अब हमारा मेन चैलेंज क्या है कि हमें इस सर्किट को वोल्टेज डिपेंडेंट बनाना है इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर वोल्टेज पे डिपेंडेंट करे किसकी वोल्टेज पे डिपेंड करे मैसेज सिग्नल की वोल्टेज पे डिपेंड करे हम यही चाह रहे हैं कि ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वोल्टेज पे डिपेंड करे हमारा टारगेट है कि वी वांट टू मेक दिस सर्किट वोल्टेज डिपेंडेंट हम इस सर्किट को वोल्टेज डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं वोल्टेज किसकी वोल्टेज पे डिपेंड कराना चाह रहे हैं हम इस सर्किट को मैसेज सिग्नल की वोल्टेज पे एम टी क्योंकि अगर ये सर्किट की फ्रिक्वेंसी एम टी पर डिपेंड करेंगी तभी एफ एम जनरेट हो पाएंगी तो हम कैसे इसको वोल्टेज डिपेंडेंट बना सकते हैं वी हैव टू ऑप्शन वी कैन मेक आइदर इंडक्टर वोल्टेज डिपेंडेंट अगर हमारा इंडक्टर वोल्टेज डिपेंडेंट होगा तो ओमेगा आर भी वोल्टेज डिपेंडेंट हो जाएंगे वी कैन आइदर मेक एल इक्विवेलेंट डिपेंडेंट ऑन मैसेज सिग्नल इसको हम डिपेंडेंट बना सकते हैं मैसेज सिग्नल की वोल्टेज पर और हम कैपेसिटेंस को भी बना सकते हैं डिपेंडेंट ऑन मैसेज सिग्नल हम कैपेसिटेंस को भी बना सकते हैं तो दोनों केसेस में हम ओमेगा आर उमेगा को वोल्टेज डिपेंडेंट बना सकते हैं अगर हम इनमें से एक भी कॉम्पोनेंट हमने वोल्टेज डिपेंडेंट बना दिया लेकिन इंडक्टर को वोल्टेज डिपेंडेंट बनाना टफर है इट इज टफर वेयर एज कैपेसिटेंस को वोल्टेज डिपेंडेंट बनाना इजियर है कैपेसिटेंस कैन बी इजनी मेड डिपेंडेंट अपॉन मैसेज सिग्नल कोई आपने ऐसा कोई सर्किट पढ़ा है जिसका कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता हो ऐसा कोई सर्किट देखा है आपने डू यू नो सच सर्किट यस जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांजिस्टर जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का जंक्शन कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है तो अगर हम इस ट्रांजिस्टर को रिवर्स बायस में रखेंगे पी साइड में नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो जितना ज़्यादा रिवर्स बायस होगा उतना ज़्यादा इसका डिफ्रेंश रेयर की विड़त होती है यू नो दैट और जितनी ज़्यादा वोल्टेज होंगी ये बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिप्लेशन लेयर की विथ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी जितनी ज्यादा हम वोल्टेज देंगे रिवर्स वोल्टेज देंगे उतनी ज्यादा इसकी डिप्रेशन लेयर की वृथ बढ़ जाएंगी और हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है एप्स एन नॉट एरिया अपॉन विर्थ तो विथ जितनी ज्यादा होंगी कैपेसिटेंस उतना कम होगा यानी कि जब वोल्टेज बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा व्रर्थ बढ़ेंगी जितनी ज्यादा रिवर्स वोल्टेज बढ़ेंगी विथ बिल इंक्रीज और बढ़ने से क्या होगा कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा ओके okay. तो हम ट्रांजिस्टर के जंक्शन कैपेसिटेंस को एज अ वेरिएबल कैपेसिटर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी व्यक्ति वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है तो हम ट्रांजिस्टर के जंक्शन कैपेसिटेंस को एज अ वेरिएबल कैपेसिटर यूज कर सकते हैं अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो हम कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का जंक्शन कैपेसिटेंस

अपने टैंक सर्किट में यूज करेंगे यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर के जंक्शन कैपेसिटेंस का यूज़ करेंगे अब ये वोल्टेज वेरिएबल होगा तो हमारी फ्रिक्वेंसी भी वोल्टेज वेरिएबल बन जाएंगी तो अब इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या आ जाएंगे वन बाई अंडर रूट एल सी इक्वेलेंट यानी कि एल अपॉन सी जे इट विल बी इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट एल सी नॉट इन अंडर रूट वन माइनस तो अगर इस पूरी टर्म को हम नॉट से रिप्लेस कर दें तो हमारी रेजमेंट फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी मेगा नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एम टी सी नॉट और इससे हम लिख सकते हैं मेगा नॉट इन टू अब इसकी हम बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन देंगे तो अगर इसकी हम बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन लें और उसकी फर्स्ट टर्म लें तो ये आ जाएंगी के बाय टू सी नॉट एम टी ये इसकी फर्स्ट टर्म है हम हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसको एक्सपेंड किया हमने और हायर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट कर दिया हम कब नेगलेक्ट कर सकते हैं हायर ऑर्डर टर्म को वेन के एम टी बाय सी नॉट इसकी वैल्यू लेस लेस देन वन होगी वन से काफ़ी कम होगी तो हम हायर ऑर्डर टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं जब हम इसकी बाइनोमेन एक्सपेंशन दे रहे हैं और सिर्फ फर्स्ट टर्म दे रहे हैं हम और प्रैक्टिकली हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं हम के बाय सी नॉट की वैल्यू लेस लेस देन वन ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उस पूरी टर्म की वैल्यू लेस लेस देन वन आ जाएंगी तो हम प्रैक्टिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या आ गई ओमेगा आर विल बी इक्वल टू हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट के एम टी बाय टू सी नॉट और इस पूरी टर्म को हम के एफ बोलेंगे इस पूरी टर्म को हम के एफ से रिप्लेस कर देंगे तो मेगा आर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट के एफ़ के एफ इंटू एम टी तो हमें पता है एफ एम का रिलेशन हमने जो कि हमने अपने एंगल मॉडोलेशन वाले ट्यूटोरियल में देख लिया था ओमेगा नॉट टी प्लस के एफ एम टी का डी टी का इंटीग्रेशन ये हमारा एफ एम का रिलेशन होता है ये हमने अपने एंगल मॉडोलेशन वाले ट्यूटोरियल में देख लिया है तो फ्रिक्वेंसी क्या आती है फ्रीकवेंसी फेज का डेरिवेशन होता है तो जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस के एफ एम टी डेरिवेशन ऑफ दिस होल टर्म विल बी फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन ऑफ फेस इफ दिस इज फेस एंड डेरिवेशन ऑफ फेस इज फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास जंक्शन कैपेसिटेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हम ऐसा जंक्शन कैपेसिटर डिजाइन कर सकते हैं जो एफ एम जनरेट कर पाए जो कि हमें इस रिलेशन से दिख रहा है ओके तो अल्टीमेटली हम हमने एफ एम जनरेट कर दी हमने ये एफ एम का एक्सप्रेशन जनरेट कर दिया इस तरह से हम एफ एम को जनरेट कर सकते हैं विद्प ऑफ वी सी ओ बट इस टाइप के सर्किट के साथ एक प्रॉब्लम आ जाएंगी कि दिस इज हाईली अनस्टेबल ये हाईली अनस्टेबल सर्किट है क्यों क्योंकि जंक्शन कैपेसिटेंस ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो ट्रांजिस्टर का कैपेसिटेंस भी इंजेक्शन कैपेसिटेंस भी चेंज होता है इफ़ यू हैव स्टडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यू नो दिस तो हम ऐसा सर्किट तो डिजाइन नहीं कर सकते प्रैक्टिकली कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड करे टेम्परेचर चेंज होने से उसका कपेस्टेंसी चेंज हो जाए और रेजोन फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएंगी ऐसा सर्किट तो हम डिजाइन नहीं कर सकते दिस सर्किट विल बी हाईली अनस्टेबल ऐसा सर्किट है नहीं अनस्टेबल होगा जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो प्रैक्टिकली हम इस टाइप की टेक्निक को यूज नहीं करते कमर्शियली क्योंकि वी कैंट डिजाइन सच अ सर्किट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर इस टाइप के सर्किट को हम कमर्शियली यूज नहीं करते हैं नॉट यूज कमर्शियली हम कमर्शियली इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में हम नैरो बैंड एफएम को जनरेट करेंगे पहले और उसके बाद उसको वाइड बैंड एफएम में कन्वर्ट करेंगे तो अगला ट्यूटोरियल बनाएंगे हम इनडायरेक्ट मेथड पे जिसमें हम जिसमें हम इस टाइप के रेजोनेट सर्किट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है ओके okay? तो अगले ट्यूटोरियल में हम इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि कमर्शियली यूज़ होता है एफएम जनरेशन के लिए तो कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल? ये जरूर कमेंट कीजिए और कोई आपका क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो कोई सजेशन हो वो भी कमेंट कीजिए मीटिंग नेक्स्ट ट्यूटोरियल